तो गाइस एक कस्टमर के घर आए हैं कि डोमिनर 400 जो है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब सेल्फ ही नहीं रहा। तो चलिए क्या इसमें प्रॉब्लम है और दिखाते हैं आगे। तो पहले सबसे पहले इसको बैटरी चेक करेंगे कि बैटरी में इसमें पावर है कि नहीं है। तो गाइस यहाँ पे बैटरी रहता है, 9 LV का बैटरी होता है। तो सबसे पहले इसको बैटरी का वोल्ट चेक करेंगे क्योंकि इग्निशन ऑन हो रहा है। जैसे यहाँ डिस्प्ले करने के बाद इग्निशन यहाँ पे दिखा रहा, लेकिन जैसे सेल्फ मारा इसे ट्रिप हो जा रहा। ओहो देखते हैं। तो गाइस वोल्ट तो ठीक ही ठाक ही आ रहा। अब इसमें ज़्यादातर हमको ये प्रॉब्लम लग रहा क्योंकि सेल्फ का जो वन वे बैरिंग होता है इस जगह पे ये फंस जाता है और इंजन के साथ में फंस जाता है, इसलिए सेल्फ इसको वर्क नहीं कर रहता है। तो मैं पहले किए हैं काम, तो इसको फर्स्ट में इसी को खोल के देखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस इसी तरह का सारा जो मैग्नेट कवर का नट है, नट बोल्ट है, गैस्किट बचा के, अदरवाइज नहीं तो फिर से नया गैस्किट लग जाएगा। तो मैं इस बचा लिया हूँ और इस तरह एक पुलर लगा करके मैग्नेट को इस तरह खोल लेना है। अब इसमें देखते हैं हुआ क्या। ये जो इसी का ही तो प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर, क्योंकि ये जो वन वे इसका अंदर में बैरिंग रहता है, मैं दिखा रहा हूँ खोल के। तो गाइस ये इसका जो बड़ा वाला पिनियन है ये भी काफ़ी ज़्यादा दांत खराब हो गया है, तो इसको भी बदलना पड़ेगा। और ये जो रोलर है दांत इसका ख़राब हो गया, ये वन वे बैरिंग इसको कहता है, इसको नया मिलता है और ला कर के इसको लगा देना, उसके बाद गाड़ी फिर से सेल्फ स्टार्ट होने लगेगा। अदरवाइज ये क्या करता है, इसका इंजन पकड़ लेता है, मतलब जाम हो जाता है, इसका इंजन घूरने नहीं देता, इसके वजह से सेल्फ वर्क नहीं करता है।